वेलकम बैक टू अल्फा ट्रेडर, दिस इज सागर। दोस्तों, ऑक्टा एफएक्स की कंप्लीट सीरीज हमने बनाई है जिसका ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑक्टा एफएक्स पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आपको ऑक्टा एफएक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये मेरी रेफरल लिंक है, इसी लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो उसे आप अनइंस्टॉल करके फिर से इस लिंक के थ्रू इंस्टॉल करें, तभी ये रेफरल में काउंट होगा। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और मुझे क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हो तो मुझे ऑक्टा एफएक्स की तरफ से थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है, बहुत कम होता है लेकिन मिलता है। अब आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हो तो मैं आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूँगा, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। दूसरा फायदा, अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई क्वेरी या प्रॉब्लम आता है, ऑब्वियसली अगर आप बिगिनर हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। और तीसरा बेनिफिट, ऑक्टा एफएक्स की अलग अलग ऑफर्स चलती रहती हैं, जैसे कि फर्स्ट डिपॉजिट पे 50% बोनस, मतलब आप $100 डिपॉजिट करोगे तो आपको $150 मिलेंगे जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके लिए क्या ऑफर्स हैं आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा उन ऑफर्स का बेनिफिट कैसे लेना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें, मेरी टेलीग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए देखते हैं अकाउंट क्रिएट करने की आगे की प्रोसेस क्या है। स्टेप वन, ऑक्टा एफएक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। स्टेप टू, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जो साइनअप का पेज है। यहाँ आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस और इस अकाउंट के लिए एक पासवर्ड जो आपको याद रहेगा। आपको अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल ओपन करके आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। स्टेप थ्री, ईमेल कन्फर्म करने के बाद यहाँ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। कंट्री आप सिलेक्ट कर लो जिस कंट्री में आप रहते हो, उसके बाद सिटी, स्ट्रीट एड्रेस, फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। स्ट्रीट एड्रेस ज़्यादा लंबा टाइप नहीं होता है, शॉर्ट में आप टाइप कर दो अपने हिसाब से। और आपसे ये पूछता है इससे पहले आपने फॉरेक्स में ट्रेडिंग की है या नहीं, तो अगर आपने फॉरेक्स में ट्रेडिंग की है तो येस पे क्लिक करो और अगर नहीं तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो। आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इतना चेक कर लो मेटा ट्रेडर 4 सिलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर माइक्रो और यहाँ पर अकाउंट टाइप रियल होना चाहिए। नीचे लीवरेज थोड़ा आप कम कर लो, बाद में आप इसे चेंज कर सकते हो। उसके नीचे इस्लामिक ऑप्शन है, उसे आप डिसेबल कर दो, शायद से वो इस्लामिक कंट्रीज के लिए है, उसमें स्वैप चार्जेस नहीं लगते हैं, फिक्स कमीशन होता है। निक नेम डालना हो तो डाल सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको लॉगिन और पासवर्ड मिलता है जो MT4 पर ट्रेडिंग करने के लिए होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस लॉगिन और पासवर्ड का आप स्क्रीनशॉट निकाल लो या कहीं पर राइट डाउन कर लो। दोस्तों, यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप फंड्स डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले इस अकाउंट का KYC वेरिफिकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, यहाँ नॉट वेरीफाइड लिखा है, मतलब आपका अकाउंट अभी तक वेरीफाई नहीं है। वेरीफाई करने के लिए सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करो। नेक्स्ट पेज पे आपको गेट वेरीफाइड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करो, आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। सबसे पहले आप आईडी टाइप सिलेक्ट कर लो जो आपके पास है, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, मैं यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। और नीचे आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करके सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो। 12 से 24 घंटे लगते हैं वेरीफिकेशन के लिए, लेकिन 1 घंटे में हो जाता है। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी, तो आप इसे लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस ऑक्टा एफएक्स की सीरीज़ के सेकंड वीडियो में मैंने बताया है ऑक्टा एफएक्स पर फंड्स डिपॉजिट कैसे करना है और विड्रॉ कैसे करना है। तीसरा वीडियो जो बेसिकली ट्रेडिंग ट्यूटोरियल है, आपके ऑक्टा एफएक्स अकाउंट से आप MT4 पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, हर एक बेसिक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है, तो वो सीरीज़ आप देख सकते हो। और अगर आपका कोई फ्रेंड फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है तो उसे भी आप ये सीरीज़ रिकमेंड कर सकते हो।
इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑक्टा एफएक्स सीरीज है, जहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। इन दिस वर्ड्स, साइनिंग आउट, सागर।